तो दोस्तों ICICI बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ICICI बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अराउंड 19% का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बैंक का बड़ा है ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बैंक ने दिखाया है और टोटल प्रॉफिट आया है 5,510 करोड़ पे। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 29% का ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स में भी अच्छी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये नंबर आया है 4.83% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 5.15% पे। यानी कि अगर आप देखोगे तो 0.32% से हमें ये नंबर कम होता हुआ नजर आया। यहाँ पे एसेट क्वालिटी जो बैंक की है वो यहाँ पे काफी अच्छी हुई है। अगर नेट एनपीए के नंबर्स की बात करें, यानी कि जो प्रोविजनिंग के बाद वाला नंबर है, वो आया है 0.99% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 1.16% पे। यानी कि 0.17% से हमें यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर भी कम होता हुआ नजर आया है। देखिए 1% से कम अगर आपका नेट एनपीए का नंबर है तो आपकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक ने यहाँ पे 4% की कम प्रोविजनिंग की है। तो देखिए अगर बैंक प्रोविजनिंग अगर कम कर रहा है तो इसका सीधा क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे एनपीए के नंबर्स नॉर्मल रहेंगे ज़्यादा प्रोविजनिंग की, इसलिए अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए लगभग 5 या 5.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। 26 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और इंडस्ट्री का पी 33 का है। लेकिन देखिए ICICI बैंक का जो मुझे लगता है जो वर्स्ट पार्ट चल रहा था, जो कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह के इश्यूज चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो गई हैं और जिस तरीके से बैंक अभी एग्रेसिव फोकस यहाँ पे रिटेल लोन्स के ऊपर कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बात मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन ICICI बैंक को दे सकता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे ICICI बैंक में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ 1 साल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज थे, बाकी हर साल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अब देखिए 759 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे अभी हमको ICICI बैंक का स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नंबर्स आर गुड, मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी रैली वगैरह हुई है, मतलब ज़्यादा रैली नहीं हुई है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक कुछ 4-5% भागा था, बाकी HDFC और ICICI अभी इतने नहीं भागे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 800 रुपीज तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है अगर मार्केट नॉर्मल वे में रहता है तो। देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से आप तो बने रहिए, अगर जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह रहती है, करेक्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ICICI बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।